आज की कहानी घमंड हुआ चोर चोर। एक आदमी बहुत अमीर था, वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो आदमी बड़े से बड़े काम को अपने पैसे के दम पर बड़ी आसानी से करा लिया करता था। तभी एक गरीब आदमी उस अमीर के घर पहुंचा। अमीर आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, तेरी इतनी औकात में घर तक आ गया। अमीर आदमी ने उस गरीब को बहुत मार लगाई और ऐलान कर दिया, कोई भी गरीब मेरी हवेली में कदम नहीं रखेगा। और धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते रहे। अब वो अमीर आदमी बेहद खुश था, चले गए साले सब गरीब लोग, उनकी क्या औकात थी मेरे सामने। मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सभी को मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब उसकी हवेली पर कोई भी आदमी नहीं जाता था। तभी कुछ दिन बाद अमीर आदमी बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर की पूरी टीम आ पहुंची। डॉक्टर बोले, आपको बड़ी बीमारी है और आपका इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अमीर आदमी ये सुनकर बेहद दुखी हुआ। अब अमीर आदमी को बीमार हुए कई साल हो चुके थे, अब हालत भी ख़राब हो चुकी थी। पैसा तो बहुत था लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं था। अब अमीर आदमी एक गिलास पानी के लिए तक तरसने लगा, क्योंकि उसके घमंड ने उससे सबको दूर कर दिया था। अब वो अकेला पानी तक के लिए तरसने लगा। तभी उन लोगों को खबर लग जाती है जिन्हें उस अमीर आदमी ने हवेली के आसपास रहने वालों को वहाँ रहने से मना कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अमीर आदमी की हालत देखी, उनसे रहा नहीं गया और सब ने मिलकर उसे अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी जान बचाई गई। और फिर अमीर आदमी उस गरीब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, और कहा, तुम सब वहीं रहो मेरी हवेली के पास। शिक्षा, हमें इस बात का कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इस बात का घमंड होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नया चैनल है दोस्तों, सपने तो बहुत हैं मगर आपके बगैर पूरे कैसे होंगे। कृपया सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट शेयर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।